दोस्तों बहुत ही जल्द बदलने वाला है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मैच जीतने का अंदाज और तरीका, क्योंकि अब एक मैच डिसाइड नहीं करेगी कि कौन सी टीम चैंपियन बनेगी, अब डिसाइड करेगी तीन मैच। तीन मैचों की सीरीज डिसाइड करेगी कि डब्ल्यूटीसी का चैंपियन टीम कौन बनेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डब्ल्यूटीसी आईसीसी का वो टूर्नामेंट है जहां पे फाइनल खेलने के लिए हमें ऑलमोस्ट 2 सालों का वेट करना पड़ता है। लेकिन अगर डब्ल्यूटीसी का कंपैरिजन हम बाकी के टूर्नामेंट से करें, चाहे वो टी20 की वर्ल्ड कप हो, ओडीआई का वर्ल्ड कप हो या फिर चैंपियंस ट्रॉफी ही क्यों ना हो, ये सभी टूर्नामेंट मैक्सिमम 2 महीने तक खेले जाते हैं। और इन 2 महीने के ही अंदर हमें क्वार्टर फाइनल वाली टीम भी मिल जाती है, सेमीफाइनल वाली टीम भी मिल जाती है और फाइनल वाली भी टीम मिल जाती है। लेकिन अगर बात डब्ल्यूटीसी की करते हैं तो यहाँ पे हमें 2 फाइनलिस्ट को देखने के लिए ऑलमोस्ट 2 सालों का वेट करना पड़ता है। और यहाँ पे पॉइंट सिस्टम भी बहुत ही अलग है। मतलब आप सबको पता होगा कि जितने भी टी20 वर्ल्ड कप हो, ओडीआई वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, एक मैच जीते हैं 2 पॉइंट हमें मिल जाते हैं। लेकिन जब बात आती है डब्ल्यूटीसी की तो यहाँ पे पूरा सिनेरियो हमें अलग देखने को मिलता है, क्योंकि डब्ल्यूटीसी में एक मैचों की सीरीज में अलग पॉइंट दिया जाता है, 2 मैचों की सीरीज में अलग तरीके से पॉइंट दिया जाता है, 3 मैचों की सीरीज में भी अलग तरीके से पॉइंट्स दिया जाता है, 4 मैचों की सीरीज में भी अलग तरीके से और 5 मैचों की सीरीज में भी अलग तरीके से पॉइंट्स दिया जाता है। यानी कि अगर ये कहा जाए कि फैंस पॉइंट सिस्टम को लेकर बेहद ही कंफ्यूज है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि डब्ल्यूटीसी में हमें पॉइंट्स की कोई कीमत नजर नहीं आती है। हमें डब्ल्यूटीसी में जिसकी कीमत नजर आती है वो है विनिंग परसेंटेज, क्योंकि लास्ट में हमें वही देखने को मिलता है कि जिस टीम की विनिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा है वही टीम फाइनल में पहुंचती है। लेकिन इसके बावजूद फाइनल में पहुंचने के लिए हमें 2 सालों का वेट करना पड़ता है। लेकिन जब बात आती है फाइनल की तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक मैच से विनिंग टीम की अनाउंसमेंट हो जाती है, जिसको लेकर रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी बहुत ही खफा है। आपको याद होगा कि 2023 डब्ल्यूटीसी का फाइनल मुकाबला जहां पे भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के हाथों गंदी तरीके से हारी थी, वहां पे क्या हुआ था, भारतीय टीम लगातार 2 सालों तक बेहतरीन क्रिकेट खेलकर फाइनल में पहुंची थी और वहां पे सिर्फ एक खराब मैच भारतीय टीम के चैंपियन बनने के सपने को तार तार कर गई या कहे तो तोड़ गई। जिसके बाद रोहित शर्मा का एक बयान बहुत ही तेजी से वायरल हुआ था। उस बयान में आपको याद हो उस इंटरव्यू में रोहित शर्मा ने इसके अंदाज को चेंज करने की बात कही थी, मतलब कि डब्ल्यूटीसी के फाइनल को खेलने के तरीके को बदलने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंचने के लिए हमें 2 सालों तक वेट करना पड़ता है और 2 सालों तक बेहतरीन क्रिकेट खेलना पड़ता है, इसके बाद हम डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंच पाते, वो भी घिसते फिरते। लेकिन वहां पे एक मैच डिसाइड कर देती है कि कौन सी टीम बेहतर है और कौन सी टीम खराब है, जो कि पिछले 2 सालों का मेहनत कोई नहीं देखता। इसलिए हम चाहते हैं कि आईसीसी जब भी डब्ल्यूटीसी का फाइनल करवाए तो एटलीस्ट 3 मैचों की सीरीज तो वो करवाइए, ताकि किसी भी टीम को उस कंडीशन में एडजस्ट करने का टाइम मिल सके। क्योंकि जब हम एशियाई सरजमी पर खेलते हैं और अचानक से हमें सेना कंट्रीज में खेलने को कहा जाता है तो हमें एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन आईसीसी को यह बात समझ में नहीं आती है, वो हमेशा ही डब्ल्यूटीसी का फाइनल मुकाबला सेना कंट्रीज में रखती है, जिससे खास करके एशियाई टीमों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि आईसीसी इस रूल में चेंज करे और एटलीस्ट 3 मैचों की सीरीज रखी जाए, जिससे कि उनको भी लगे कि नहीं, हमारे 2 सालों की मेहनत बर्बाद नहीं हुई है। और अब रोहित शर्मा की इस बयान के सपोर्ट में एक और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी सामने आ गए हैं और वो कोई आम खिलाड़ी नहीं है बल्कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के बेहद ही शानदार खिलाड़ी है, नाथन लायन, जो कि ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से बेहद ही शानदार स्पिन गेंदबाजी करते हैं और अभी के समय में वो ऑस्ट्रेलियाई टीम के एक लेजेंड गेंदबाज भी है। उन्होंने रोहित शर्मा के इस बयान का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा ने 2023 में ही इस रूल के खिलाफ आवाज उठाई थी, अब मैं उसका फुल समर्थन करता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि 2 सालों तक लगातार खेलने के बाद अगर कोई टीम एक मैच में बाहर हो जाती है तो उसके ऊपर क्या बीतती है। हम भी रोहित शर्मा के इस बयान से सहमत हैं और अब हम भी आईसीसी से ये मांग करते हैं कि डब्ल्यूटीसी का फाइनल 3 मैचों की सीरीज के रूप में कराया जाए, इससे कि फाइनलिस्ट टीमों को संतुष्टि मिल सके। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अभी के समय में आईसीसी इस रूल में चेंज कर सकती है या फिर नहीं, हमें कमेंट करके आप बता सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आईसीसी डब्ल्यूटीसी फाइनल के इस रूल में चेंज करे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।